इसको अगर सॉल्व करना हो तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 100 आएगा, फिर 100 के बाद में ये शिफ्ट हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1100। फिर क्या हो जाएगा, ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा। ओनली एक बार में एक ही बिट चेंज हो जाती है, 1 से 1 सेम आ गया, 0 को 1 में चेंज कर दिया। एक बार में एक बिट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोबारा एक बिट में चेंज करेंगे, 1 को सेम रख दिया, इसके अंदर चेंज कर दिया, 1 को 0 में शिफ्ट कर दिया, फिर 0 को 1 में शिफ्ट कर चेंज कर दिया और 0 को 0 रख दिया। फिर एक बार और चेंज कर दिया, 1 को 1, 0 को 0, फिर 1 को 0 में चेंज कर दिया और 0 को 1 में चेंज कर दिया। इसी तरीके से एक बार और चेंज कर दिया, तो इस तरीके से टोटल है हमारे पास में 100, 110, 110, फिर 1010, फिर 1001 और फिर यहाँ पर 100 स्टार्टिंग वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये कहते हैं हम एंड कन्वर्जन, यानी ये एंड कन्वर्जन हो जाएगा। ए 4-bit सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फुल स्केल वैल्यू 15 बॉड दे रखी है, और इस वैल्यू को हमें SAR विल ट्रांसफर्स, यानी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से हमें इसको ट्रांसफर करना है, तो इस तरीके से हम ट्रांसफर्स करेंगे। उसके बाद में देखते हैं काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्या है ये दिखाया गया है। इसमें ये OPAM है, ये कंपेयर करने का करेगा, ये एंड गेट है, ये अप काउंटर है, और ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है जिससे हम BD अप्लाई करते हैं। ये तो ये काउंटर टाइप एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है। डिजिटल आउटपुट हम यहाँ पर ले लेते हैं। सिंगल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर टाइप है, सिंगल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पॉइंट प्रेजेंट है, जैसे कि 0.58 के अंदर ये बातें बताई गई हैं जिसे हम देख ली हैं। इसमें क्या करते हैं, काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में हम लार्जर वैल्यू है सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके से लार्जर वैल्यू है यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है वो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है ए रेजुलेशन ऑफ 4-bit काउंटिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है 0.5, ये रेजुलेशन दिया गया है, एंड एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज 6.6 वोल्ट दिया गया है। दी डिजिटल आउटपुट ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विल बी, डिजिटल आउटपुट यहाँ पर क्या होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का डिजिटल आउटपुट है वो क्या होगा, तो डी इक्वल टू AYR हो जाएगा। AYR का मतलब है 6.6/0.5, तो ये 13 के इक्वल हो जाएगा। अब है फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्या बातें बताई गई है, फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में एनालॉग इनपुट है, ये रेजिस्टेंस है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया फ्लैश टाइप के अंदर, ये OPAM की एनालॉग इनपुट वोल्टेज है, ये यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यहाँ से हम बी रेफरेंस के थ्रू सेकेंड इनपुट है OPAM का देते हैं, और ये D3, D2, D1, D0 है, 4×2 प्रायोरिटी इनकोडर हो जाता है, ये Y1 और ये Y0 डिजिटल आउटपुट हो जाता है। इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट होता है 2n×n और यहाँ पर 3 फिल इन ब्लैंक, यानी इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 4n के लिए क्या होगा, 2n लेवल इनपुट होते हैं, अगर n आउटपुट चाहिए तो 2n लेवल इनपुट होते हैं, 1, 2, 3, 4 स्मॉलर से वैल्यू है यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर हम स्मॉलर वैल्यू है सेलेक्ट करते हैं, तो फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर यहाँ पर कुछ बातें हैं वो बताई गई है, जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया है फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इट इज फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इट इज यूज मल्टीपल कंपरेटर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज साइमल्टेनियस पैरेलल कंपरेटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ए रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड जनरेटर, इफ रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड जनरेट्स इक्वली स्पेस्ड रेफरेंस वोल्टेज लेवल, नो क्लॉक पल्स इज नीडेड, इट जनरेट द आउटपुट इंस्टेंटेनियसली, कन्वर्जन टाइम इज कॉन्स्टेंट, इट जनरेट द आउटपुट इंस्टेंटेनियसली, कन्वर्जन टाइम यहाँ पर कॉन्स्टेंट होता है। रिक्वायरमेंट क्या है फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए, कंपरेटर की जरूरत होगी, रजिस्टर की जरूरत होगी, प्रायोरिटी इनकोडर की यहाँ पर जरूरत होगी। अब देखते हैं डुअल स्लोप इंटीग्रेटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इट डज डुअल स्लोप इंटीग्रेटर एंड टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सॉल्व करते हैं, तो इट डज नॉट रिक्वायर एन इंटरनल डिजिटल एनालॉग टू कन्वर्टर, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इट इज द अनअफेक्टेड बाई नॉइस वेरिएशन इन पावर सप्लाई, इट इज अनअफेक्टेड बाई नॉइस वेरिएशन पावर सप्लाई, टेम्परेचर क्यूज्ड वेरिएशन इन सर्किट कंपोनेंट वैल्यू R&C, ये डुअल टाइप इंटीग्रेटर टाइप एनालॉग टू कन्वर्टर के बारे में बताया गया है। लो कॉस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मोस्टली यूज इन डिजिटल वोल्टमीटर एंड मल्टीमीटर में इसका डुअल स्लोप का यूज किया जाता है, इट इज द स्लोएस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर,
कन्वर्जन टाइम इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग इनपुट। इन एन एन बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स नीडेड टू की पावर एन माइनस वन। ये नंबर ऑफ क्लॉक पल्स हैं वो एन बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स है टू की पावर एन प्लस वन से दी जाएंगी। तो ये होता है डुअल स्लो कंटीग्रेटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में। इसके बाद में देखते हैं हम लॉजिक फैमिलीज। लॉजिक फैमिलीज के अंदर क्या क्या टॉपिक है यहाँ पर। लॉजिक फैमिलीज के अंदर आता है बीजेटी फैमिली जाती है, एमओएस फैमिली जाती है। बीजेटी फैमिली के अंदर आता है आरटीएल, डीसीटीएल, डीटीएल, एचटीएल, टीटीएल, ईसीएच, आईस्क्वायरएच और ये एमओएस फैमिली के अंदर आती है। बेसिक स्टैंडर्ड सर्किट कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिक फैमिलीज। बेसिक स्टैंडर्ड सर्किट कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिक फैमिलीज क्या दिखाया गया है। द बेसिक स्टैंडर्ड सर्किट ऑफ एनी लॉजिक फैमिली डिजाइन इन सच ए मैनर दैट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ आइदर द नैंड गेट और नॉर गेट। Hence it is said that the basic gate of any logic family is either the NAND gate or NOR gate here. Basic characteristics of the BJT यहाँ पर देखा गया है। BJT के अंदर ये बेस होता है, ये मीटर होता है जिसके अंदर साइन रिप्रेजेंट होता है और ये कलेक्टर होता है। यहाँ पर बेस करंट, तो यहाँ पर ये बेसिक सर्किट है BJT का, वो एक NOT गेट की तरह वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर 0.7 वोल्टेज अगर ज़्यादा अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जीरो होता है तो आउटपुट हमें वन मिलता है, क्योंकि जब ये जीरो आउटपुट होगा, जीरो होगा यहाँ पर तो ये ओपन होगा और ये बीसीसी से कनेक्ट होगा। जब यहाँ पर हाई इनपुट होगा तो ये शॉर्ट की तरह वर्क करेगा। जब ये जीरो होता है ये ओपन की तरह वर्क करता है, आउटपुट हमें यहाँ से मिल जाता है, वन मिल जाता है। जब ये वन होता है तो ये शॉर्ट हो जाएगा और आउटपुट यहाँ पूरा चला जाएगा, आउटपुट हमें जीरो मिल जाता है। तो ये नॉट गेट की तरह वर्क करता है। यहाँ पर बेसिक बीजेटी है वो नॉट गेट की तरह वर्क करता है। इन डिजिटल लॉजिक सर्किट ए बीजेटी इज ऑलवेज यूज्ड एज ए स्विच। बीजेटी को हम स्विच की तरह यूज करते हैं। बीजेटी सिलिकन और जर्मेनियम का बना होता है। सिलिकन में एनपीएन और पीएनपी टाइप होता है। एनपीएन में भी यहाँ पर कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर होता है। कॉमन एमिटर यहाँ पर तीन प्रकार का होता है, जैसे एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन। एक्टिव में क्या होता है, एक्ट एज एम्पलीफायर। कट ऑफ के अंदर क्या होता है, एक्ट एज एन ओपन स्विच। कट ऑफ के अंदर एक्ट एज एन ओपन स्विच और सैचुरेशन के अंदर क्या होता है, एक्ट एज एन क्लोज स्विच। ये सैचुरेशन के अंदर होता है। नॉन एज स्विच ऑपरेशन ऑफ बीजेटी, ये दोनों बीजेटी के स्विच ऑपरेशन की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पर सैचुरेशन के अंदर काम करेगा, ये एक्टिव रीजन काम करेगा, ये कट ऑफ रीजन के अंदर काम करेगा। बीजेटी के अंदर अगर बीवी की वैल्यू है, यानी बेस वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्लोज सर्किट की तरह वर्क करेगा, और ये लो वैल्यू है तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। यानी जीरो पर वन की तरह करंट सोर्स की तरह वर्क करेगा और वन पर ये करंट सिंक की तरह वर्क करेगा। ये बीजेटी का और बेसिक डायग्राम दिखाया गया है। यानी एक तरफ करंट सोर्स की तरह वर्क करेगा अगर रेजिस्टेंस नीचे कनेक्ट रहता है, ऊपर रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है तो करंट सोर्स की तरह वर्क करता है जब ये क्लोज सर्किट हो जाता है। तो व्हेन इनपुट इज लॉजिक जीरो, अगर यहाँ पर लॉजिक जीरो होगा इनपुट, क्यू इज कट ऑफ रीजन। जब ये जीरो होगा तो ये कट ऑफ रीजन के अंदर चला जाएगा। कट ऑफ रीजन के अंदर क्या होगा, एज ए रिजल्ट दिस आउटपुट बिकम लॉजिक वन। जब ये ओपन हो जाएगा, कट ऑफ रीजन के अंदर चला जाएगा, तो ये आउटपुट यहाँ पर लॉजिक जीरो वन हो जाता है। बुरे वन द केस कलेक्टर ऑफ क्यू एक्ट एज ए करंट सोर्स। इस कंडीशन के अंदर ये कलेक्टर के अंदर करंट सोर्स की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ये करंट प्रोवाइड कर रहा है। उसी प्रकार बहन इनपुट इज लॉजिक वन, जब लॉजिक वन हो जाता है इनपुट, तो क्यू इज सेचुरेशन रीजन। तो क्यू यहाँ पर सेचुरेशन रीजन के अंदर चला जाएगा लॉजिक वन होते ही, और रिजल्ट ऑफ दिस आउटपुट बिकम जीरो। इसकी वजह से आउटपुट है वो जीरो हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, इन दिस केस कलेक्टर ऑफ ए एक्ट एज ए करंट सिंक। तो इसके अंदर जब जीरो हो जाएगा, ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, तो ये कलेक्टर क्या है, करंट की वैल्यू लेगा यहाँ से। तो यहाँ पर कलेक्टर क्या है, करंट सिंक की तरह वर्क करेगा। हिंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ए बीजेटी इज एन सिंपलेस्ट फॉर्म एक्ट एज ए नॉट गेट। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बीजेटी है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नॉट गेट की तरह वर्क करती है। अब लॉजिक फैमिली की करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर हाई करंट की वैल्यू है तो ये हाई करंट आउटपुट है, ये हाई करंट इनपुट है। ये लो करंट की वैल्यू है, ये लो करंट इनपुट है। यानी यहाँ से लो करंट इनपुट आ रही है, ये लो करंट आउटपुट आ रही है यहाँ से। तो फैन आउट नंबर है यहाँ से लॉजिक फैमिलीज के अंदर निकाल सकते हैं। फैन आउट नंबर अगर इस तरीके से दिखा रखे हैं तो ये होते हैं 20/4/5। अगर 2.5 दे रखा है तो ये 4 होते हैं। तो हम फैन आउट हमेशा कम से कम मिनिमम लेने की कोशिश करते हैं। फैन आउट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि दिखाया गया लॉजिक फैमिली करेक्टरिस्टिक्स। लॉजिक फैमिली करेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले देखते हैं प्रोपेगेशन डिले क्या होता है।
इट इज द एवरेज ट्रांजिशन डिले टाइम फॉर द सिग्नल टू प्रोपिगेट फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट टू लॉजिक वन लॉजिक गेट, इट इज मेजर्ड नैनो सेकेंड। अब उसके बाद में देखते हैं पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन के अंदर क्या होता है, पीडी, इट इज द पावर ड्रॉन बाई द लॉजिक गेट फ्रॉम द पावर सप्लाई, इट इज मेजर्ड इन मिलीवाट। फिगर ऑफ मेरिट्स, स्पीड पावर प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टीपीडी एंड पीडी ऑफ ए लॉजिक गेट्स, इट इज मेजर्ड इन पिकोजूल्स। फिगर ऑफ मेरिट है या स्पीड पावर प्रोडक्ट है, इसको मेजर किया जाता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टीपीडी एंड पीडी ऑफ ए लॉजिक गेट्स, इट इज मेजर्ड इन पिकोजूल। ए स्मॉल वैल्यू ऑफ एफ ओ एम इज डिजायरेबल। फैन आउटपुट लोडिंग फैक्टर क्या होता है, ड्राइविंग गेट को देखते हैं हम, ड्रिवन लोड गेट, ड्राइवन लोड गेट्स के में क्या होता है, वाइल कैलकुलेटिंग द फैन आउटपुट ऑफ लॉजिक फैमिली इट इज इंश्योर्ड दैट द ड्राइविंग गेट एंड द लोड गेट बिलोंग टू द सेम फैमिली। फैन आउट डिफाइंड द नंबर ऑफ लोड गेट्स दैट कैन बी सक्सेसफुली ड्रिवन बाय द आउटपुट ऑफ ड्राइविंग गेट। फैन आउटपुट है, फैन आउटपुट वैन आउटपुट इज लॉजिक वन। फैन आउटपुट लो कब होगा, जब फैन आउटपुट इज लॉजिक जीरो। तो ये होता है फैन आउटपुट हाई कंडीशन के अंदर, ये फैन आउटपुट लो कंडीशन के अंदर, आई ओ एच बटे आई आई एल, आई ओ एच बटे आई आई एच, और ये आई ओ एल बटे आई आई एल। तो फैन आउटपुट मिनिमम होता है फैन आउटपुट एच, फैन आउटपुट एल, दोनों में से मिनिमम हम लेते हैं यहाँ पर। जब फैन आउटपुट में आउटपुट इज लॉजिक जीरो, लॉजिक वन के अंदर जब जिस कंडीशन में फैन आउट की वैल्यू मिनिमम होती है वो वैल्यू हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में देखते हैं नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन क्या होता है, नॉइस मार्जिन इम्यूनिटी, इट इज द मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द इनपुट ऑफ ए लॉजिक गेट्स विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। तो ये कहलाता है नॉइज मार्जिन लॉजिक वन और लॉजिक जीरो के अंदर हम देखते हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हम टॉलरेबल है बाय द इनपुट ऑफ लॉजिक गेट्स विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट, तो वो कहलाती है नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन एट हायर लेवल बी ओ एच माइनस बी आई एच, नॉइज मार्जिन एट लोअर लेवल बी आई एल माइनस बी ओ एल, नॉइज मार्जिन है मिनिमम होता है दोनों में से कोई एक। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट नोट क्या दे रखा है, टी टी एल के बारे में दे रखा है। इन टी टी एल एक्टिव पुल अप ट्रांजिस्टर क्यू फोर इज यूज इंस्टीड ऑफ पैसिव पुल अप। टी टी एल के अंदर एक्टिव पुल अप ट्रांजिस्टर क्यू फोर यूज लेते हैं हम पैसिव पुल अप की कंपेयर में टू रिड्यूस दी आर सी टाइम कॉन्स्टेंट एंड दी प्रोपिकेशन डिले। प्रोपिकेशन डिले और आर सी टाइम कॉन्स्टेंट को रिड्यूस करने के लिए हम पुल अप मेथड है यहाँ पर यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। टी टी एल एक्टिव पुल अप इज यूज इंस्टीड ऑफ पैसिव पुल अप लोड रजिस्टर टू रिड्यूस दी आर सी टाइम एंड प्रोपिगेशन डिले। द ऑन ऑफ स्टेटस ऑफ ट्रांजिस्टर क्यू टू एंड क्यू थ्री ऑलवेज रिमेन सेम। द ऑन ऑफ स्टेटस ऑफ ट्रांजिस्टर क्यू थ्री एंड क्यू फोर ऑलवेज रिमेन द अपोजिट डायोड डी इज यूज एज एकम्प्लीज दिस। तो ये टी टी एल का डायग्राम है, हम आगे देखेंगे। 130 रेजिस्टेंस इज यूज टू प्रिवेंट द हाई करंट स्पाइक्स ड्यूरिंग द स्टेट ट्रांजिशन क्यू थ्री एंड क्यू फोर। तो टी टी एल के अंदर यहाँ पर ये बातें हैं वो बताई गई है कि 130 ओम का रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं प्रिवेंट हाई करंट स्पाइक्स ड्यूरिंग द स्टेट ट्रांजिशन क्यू थ्री एंड क्यू फोर। द क्लैप डायोड आर यूज टू ऑब्जर्व एनी राइजिंग ऑसिलेशन दैट में अकर इन द इनपुट सिग्नल ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट स्विचिंग कंडीशन बिकॉज ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट। तो यहाँ पर जब हम नेगेटिव स्पाइक्स को अगर हटा देते हैं तो पॉजिटिव स्पाइक्स ऑटोमेटिक हट जाती है। द क्लैप डायोड आर यूज टू ऑब्जर्व एनी राइजिंग दैट मे अकर इन द इनपुट सिग्नल ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट स्विचिंग कंडीशन बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से जो भी इनपुट सिग्नल के अंदर ये राइजिंग ऑसिलेशन क्रिएट होते हैं उनको क्लैंप डायोड के द्वारा हम ऑब्जर्व करते हैं। अब देखते हैं आर टी एल लॉजिक गेट्स। आर टी एल लॉजिक गेट्स सिंपली दे रखा है, ये आर टी एल लॉजिक गेट सिंपली दे रखा है आर टी एल लॉजिक गेट्स की लॉजिक वन लॉजिक टू, इससे हम एंड ऑपरेशन से ये आउटपुट हम निकाल लिया। ये आर टी एल का सिंपल डायग्राम दिखाया गया है, बीजेटी कनेक्ट कर दिए हैं पैरेलल में और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आउटपुट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करते हैं, वन आउटपुट आया ओनली, इस कंडीशन में वन आउटपुट आएगा यानी ये सारे जीरो होंगे तब आउटपुट हमारा बनाएगा, क्योंकि ये सारे जीरो होंगे तभी हमारा आउटपुट यहाँ पर बनाएगा। अगर ये ऑन हो जाता है इनमें से एक भी तो करंट की वैल्यू है वहाँ से क्रॉस हो जाएगी। इस अकॉर्डिंग आउटपुट के एरिया ये फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू आर एक्स बार
वाई बार जेड बार, तो ये हमारा आर टी एल लॉजिक गेट्स का आउटपुट हो जाएगा। अब देखते हैं डी सी टी एल का ये सिंपल डायग्राम दिखाया गया, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक ये सिंपल डायग्राम दिखाया गया डी सी टी एल। अब देखते हैं डी टी एल के अंदर क्या है। डी टी एल के अंदर ये डायोड हैं, क्रैप्स डायोड हैं, क्रैम्पिंग डायोड ये दिखाए गए हैं, 0.2 वोल्ट लो लेवल के लिए, 5 वोल्ट हाई लेवल के लिए। ये 5 वोल्ट बी सी सी अप्लाई कर दिए, यहाँ पर ये बीजेटी कनेक्ट कर दिया। जब ये ऑन होगा, ये ऑन होगा, यानी यहाँ पर 0.7 वोल्ट चाहिए इसके लिए, 0.7 वोल्ट चाहिए, तो दोनों के लिए 0.14, यहाँ पर 0.7 चाहिए, यहाँ पर 0.7 चाहिए, यहाँ पर 0.7 चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2.1 वोल्ट है रिक्वायरमेंट होगी। 2.1 वोल्ट रिक्वायरमेंट कब होगी, जब यहाँ पर ये 5 वोल्ट आएगा, ये दोनों ऑफ कंडीशन के अंदर होंगे। तो ये ओपन कंडीशन के अंदर हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा, तब ये दोनों जीरो हैं, एक्स और वाई दोनों जीरो हैं, ये दोनों जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या है, 5 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। 5 वोल्ट अप्लाई होगा तो ये हाई कंडीशन में होगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट अप्लाई होता है, ये वाला 5 वोल्ट अप्लाई होता है, ये दोनों जीरो हैं, ये दोनों जीरो हैं, ये 5 वोल्ट है, तो ये ऑन हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा सारा वोल्टेज, तो जीरो 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 आएगा, यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ओपन है, ओपन है, तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा एफ पर। ये बना गया 0-1 है, ये 0 है, ये 1 है, फिर भी आउटपुट इधर से चला जाएगा, 1-0 है तो फिर भी आउटपुट इधर चला जाएगा। अगर ये दोनों 1 हो जाते हैं, नहीं दोनों हाई हो जाते हैं, ये दोनों हाई हो जाते हैं, यानी 5 वोल्ट हो जाते हैं, यहाँ भी 5 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, ये ऑफ कंडीशन के अंदर हो जाएंगे, ये ऑफ कंडीशन के अंदर हो जाते हैं, तो ये वोल्टेज है यहाँ पर चला जाता है, तो ये 5 वोल्ट है यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई होगा, हाई वोल्टेज अप्लाई होगा तो ये क्लोज सर्किट रेवर करेगा, ये क्लोज सर्किट पर चलाएगा तो एफ की तरफ कोई आउटपुट नहीं जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। डेटा शीट ऑफ डीटीसी एंड आरटीएल यहाँ पर दिखाई गई है, जो भी यहाँ पर ये है डेटा शीट है डीटीएल और आरटीएल के लिए, यहाँ पर दिखाई गई है डीटीएल और शॉर्ट डीटीएल के लिए डेटा शीट है, वो दिखाई गई है, तो ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद में ओपन फ्लोटिंग इनपुट ऑफ टीटीएल इन ए जनरल एनी सर्किट लॉजिक गेट्स टीटीएल के बारे में बताया गया, फ्लोटिंग इनपुट एंड टीटीएल इन जनरल एनी सर्किट लॉजिक गेट्स इफ एनी इनपुट इज लेफ्ट ओपन फ्लोटिंग देन ओपन और फ्लोटिंग देन नो करंट फ्लो थ्रू दैट इनपुट पाथ द टीटीएल सर्किट दिस इज आल्सो इन केस व्हेन लॉजिक 1 इज अप्लाइड एट दैट इनपुट इन टीटीएल सर्किट ओपन फ्लोटिंग इनपुट एक्ट एज लॉजिक 1 ओपन फ्लोटिंग इनपुट है टीटीएल के अंदर वो लॉजिक 1 की तरह एक्ट करता है। अब देखते हैं आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन इन टीटीएल, टीटीएल के अंदर क्या होता है, टीटीएल सर्किट इज अवेलेबल इन 3 टाइप्स ऑफ आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, दो एक होता है टोटलम पोल आउटपुट, एक होता है ओपन कलेक्टर आउटपुट, एक होता है 3 स्टेट ट्राई स्टेट आउटपुट। टोटलम पोल आउटपुट के अंदर क्या होता है, एक्टिव पुल इज यूज बायर लॉजिक इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर पैसिव पुल ऑफ इज यूज बायर एंड गेट एंड लॉजिक इज पॉसिबल, बायर एंड लॉजिक यहाँ पर पॉसिबल होता है ओपन कलेक्टर आउटपुट के अंदर। एंड 3 स्टेट ट्राई स्टेट आउटपुट के अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ टोटलम पोल गेट, स्पेशल टाइप ऑफ टोटलम पोल गेट का है ये, 3rd स्टेट है, इसके अंदर क्या होता है, हाई इंपीडेंस स्टेट के अंदर हम इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं शॉर्ट की डायोड, शॉर्ट की डायोड के अंदर क्या होता है, शॉर्ट की टीटीएल है, शॉर्ट की डायोड यहाँ पर यूज करते हैं, शॉर्ट की टीटीएल के अंदर इन शॉर्ट की टीटीएल शॉर्ट की वेरियर डायोड, शॉर्ट की वेरियर डायोड आर प्लेस्ड बिटवीन द बेस एंड कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर, दिस प्रिवेंट द ट्रांजिस्टर फ्रॉम एंटरिंग इनटू सैचुरेशन रीजन, द ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन एक्टिव रीजन एंड कट ऑफ रीजन, द कॉन्सिक्वेंस आर एडवांटेज क्या है, वेरी लो प्रोपेगेशन डिले होगा इसकी वजह से, क्योंकि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन के अंदर नहीं जाएगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, वेरी हाई पावर डिसिपेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट की डायोड कनेक्ट है, इसको पावर चाहिए, वेरी लो नॉइस मार्जिन होगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। नोट यहाँ पर क्या दिया गया है, ये शॉर्ट की टीटीएल यूज ए डबल इमीटर फ्लोअर्स नॉन एज डार्लिंगटन पेयर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन, शॉर्ट की टीटीएल क्या करेगा, एक डबल इमीटर फ्लोअर सर्किट यूज करेगा, जिसे हम डार्लिंगटन पेयर कहते हैं, स्पीड की ऑपरेशन को, स्पीड ऑफ ऑपरेशन को यूज करने के लिए यहाँ पर शॉर्ट की टीटीएल है, वो डबल इमीटर फ्लोअर है यहाँ पर यूज करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ECL इज आल्सो नॉन एज CML करंट मोड लॉजिक, नेक्स्ट है ECL इज आल्सो नॉन एज CML करंट मोड लॉजिक, CSL करंट स्टीलिंग लॉजिक के नाम से जाता है, CSEF
करंट स्विच इमीटर फ्लोर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ECL इज नॉन सैचुरेटेड डिजिटल लॉजिक फैमिली, नॉन सैचुरेटेड डिजिटल लॉजिक फैमिली। द ट्रांजिस्टर ऑपरेट ओनली इन एक्टिव एंड कट ऑफ रीजन। एडवांटेज क्या है? वेरी लो प्रोपगेशन डिले। डिसएडवांटेज क्या है? वेरी हाई पावर कंसम्पशन, वेरी लो नॉइज मार्जिन। ECL वर्क ऑन नेगेटिव पावर सप्लाई एंड नेगेटिव वोल्टेज लेवल। एडवांटेज क्या है ECL का? बेटर नॉइज इम्यूनिटी। एंड डिसएडवांटेज क्या है? इनकम्पेटिबिलिटी विद अदर लॉजिक गेट्स, इनकम्पेटिबिलिटी विद अदर लॉजिक गेट्स। आई स्क्वायर एल है इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक के अंदर क्या होता है? आई स्क्वायर एल इज ऑल्सो नॉन एज MTL मर्ज ट्रांजिस्टर लॉजिक। आई स्क्वायर एल हैज हाई पैकिंग डेंसिटी, इट इज बिकॉज ऑफ मल्टी कलेक्टर आउटपुट ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ फुट ट्रांजिस्टर लोड ट्रांजिस्टर। यहाँ PNP ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ लोड रजिस्टर की तरह हम यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। बेसिक गेट्स के अंदर क्या दे रखा है? नॉर गेट दे रखा है। फिगर ऑफ मेरिट लेस देन 1 पिकोजूल, यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है इसका ECL का। एडवांटेज ऑफ NMOS एंड PMOS ओवर BJT क्या दे रखा है? लो पावर डिसिपेशन, हायर फैन आउट होते हैं, सिंपलर फैब्रिकेशन प्रोसेस, हायर पैकिंग डेंसिटी, लोअर कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन। MOS कैन बी यूज एज लोड रजिस्टर एज वेल एज परमानेंटली बायस्ड द गेट फॉर कंडक्शन। इन MOS कैंप R है वो लेस देन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 1/ωL। डेटा सीट है NMOS और PMOS के लिए दी गई है। प्रोपिगेशन डिले होता है 250 से 30 माइक्रो सेकेंड। पावर डिसिपेशन होता है 0.2 से 10 मेगावाट। लीवाट है, फिगर ऑफ मेरिट्स है, 6 पिकोजूल के बराबर होता है। फैन आउट है 20 होता है। नॉइस मार्जिन है 2.5 वोल्ट होता है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर ECL के बारे में बताई गई है। डेटा शीट है, तो डेटा शीट के अंदर क्या देखते हैं? DTL वायर्ड लॉजिक गेट इज पॉसिबल। द फैन आउट ऑफ DTL लॉजिक गेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग द डायोड D1 विथ ट्रांजिस्टर। डायोड D1 को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करके हम फैन आउट की संख्या DTL के अंदर बढ़ा सकते हैं। DTL लॉजिक गेट DTL लॉजिक गेट के नाम से जाना जाता है। हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक STL। STL इज मॉडिफिकेशन ऑफ DTL गेट। द मॉडिफिकेशन इज दैट द पावर सप्लाई इज राइज्ड फ्रॉम 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट। एज ए रिजल्ट हाई वोल्टेज लेवल लॉजिक 0.2 से 14 से 15 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? नॉइस मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से STL के अंदर वायर्ड लॉजिक गेट पॉसिबल होता है। अब देखते हैं TTL। TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्लैंप डायोड दिखाए गए हैं, ये फेज स्प्लिट स्टेज दिखाई गई है, ये एक्टिव पुल अप स्टेज है, टोटलम पोल स्टेज कहते हैं इसको फेज स्प्लिट स्टेज कहते हैं, और ये कंप्लीट सर्किट है TTL का दिखाया गया है। टोटलम पोल Q4 सिट्स अपॉन Q3। टोटलम पोल का मतलब है कि Q4 है, Q3 के ऊपर सिट्स है। तो यहाँ पर XY अगर यहाँ पर दोनों 0-0 हैं, ये दोनों 0-0 हैं, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 0-0 का मतलब 0.2 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, 0.7 इनको चाहिए, यानी यहाँ पर 0.9 चाहिए। तो 0.9 की जगह यहाँ पर 5 वोल्ट अप्लाई हो रहा है, तो ये ऑन हो जाता है। ये ऑन होने की वजह से यहाँ पर 0 अप्लाई होगा। 0 अप्लाई होने से ये क्या है? ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने से यहाँ पर जो आउटपुट है हमें यहाँ से पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वजह से ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 0.9 ये वाला 0.9 यहाँ पर अप्लाई होता है, और ये 0.9 इसमें ऐड होके ये 1.6 हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये ऑन हो जाएगा और F पर हमें 1 आउटपुट मिल जाता है। इसी तरीके से ओनली जब 1-1 अप्लाई होता है यहाँ पर, तो ये ऑफ कंडीशन के हो जाते हैं, तो हमें 0 मिलता है। TTL एक्ट एज NAND गेट। TTL है यहाँ पर NAND गेट की तरह वर्क करता है। तो ये TTL का सिंपल पॉजिटिव पुल अप स्टेज दिखाई गई है। पॉजिटिव पुल अप स्टेज के अंदर क्या करते हैं? यहाँ पर 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, VCC 5 वोल्ट हो जाती है। तो ये पॉजिटिव या पैसिव पुल अप स्टेज कह सकते हैं इसको, इसे कहते हैं एक्टिव पुल अप स्टेज। टोटलम पोल के अंदर यूज करते हैं इसको, और ये पैसिव पुल अप स्टेज है। इन ए TTL सर्किट इफ दी मल्टी एमीटर इनपुट ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाई ए मल्टी लेवल, या मल्टी एमीटर इनपुट ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाई ए सिंगल एमीटर इनपुट ट्रांजिस्टर, देन द सर्किट वर्क एज ए नॉट गेट। TTL के अंदर वो नॉट गेट की तरह वर्क करता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि
कि नॉइस मार्जिन अगर सेचुरेशन से एक्टिव के बीच में लेते हैं तो नॉइस मार्जिन यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर नॉइस मार्जिन कम होता है सेचुरेशन और कट ऑफ के बीच में, कहीं भी हम यूज़ करते हैं सेचुरेशन में यूज़ करते हैं, कट ऑफ के बीच में यूज़ करते हैं तो नॉइस मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट शॉर्ट की टाइप TTL को, तो यहाँ पर प्रोपेगेशन डिले है वो लेस होता है। तो ये इंटरवो का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये शॉर्ट की डिटेल का डायग्राम बनाया है, ये ECL के लिए मीटर कपल्ड लॉजिक का सिंपल डायग्राम बताया गया है, एक पैरेलल में कनेक्टेड है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर लॉजिक इनपुट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज दिखाई गई है, ये कॉमन कलेक्टर इमीटर फ्लोअर आउटपुट स्टेज है दिखाई गई है। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर दिखाई गई है। इंटरवो का क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, इंटरवो का क्वेश्चन यहाँ पर इस जगह पर क्रिएट होता है कि आर की वैल्यू है और गेट है यहाँ पर, और यहाँ पर नॉर गेट है, ये आउटपुट होते हैं यहाँ पर। वर्किंग ट्रुथ टेबल क्या है, एक तरफ और नॉर गेट की टेबल बना देंगे, एक तरफ और गेट की टेबल बना देंगे, इसके अकॉर्डिंग है एक तरफ यहाँ पर नॉर गेट का आउटपुट मिलेगा हमें, एक्स वाई पर जो भी इनपुट देंगे हम, एक्स और वाई पर जो भी इनपुट देंगे एक तरफ नॉर का आउटपुट मिलेगा, ये वी रेफरेंस 1.3 वोल्ट फिक्स कर रखा है, तो एक तरफ हमें नॉर का आउटपुट मिलेगा, ये नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है, ये और गेट की ट्रुथ टेबल है, इन्हीं पर वर्किंग है डिपेंड करती है। यहाँ पर TTL और ECL का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, और नॉर और गेट के अंदर यूज करते हैं, इसका प्रोपिकेशन डिले होता है वो 1 नैनो सेकेंड होता है, सबसे बेस्ट होता है, पावर जूल है इसकी 25 होती है, फैन आउट की संख्या 25 होती है, नॉइस मार्जिन 0.3 वोल्ट होता है, और वोल्टेज लॉजिक 0 पर -1.8 वोल्ट और लॉजिक 1 पर -0.8 वोल्ट होता है। ये इंटरेस्टिंग इन ECL क्या दे रखा है, इंटरेस्टिंग इन ECL इवन दो द वोल्टेज लेवल आर नेगेटिव द लॉजिक सिस्टम इज पॉजिटिव, यहाँ पर वोल्टेज लेवल नेगेटिव होने के बाद भी सिस्टम यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ करता है। इन केस ऑफ ECL बायर्ड और लॉजिक इज पॉसिबल, बायर्ड और लॉजिक इज पॉसिबल विथ दी नॉर आउटपुट, और बायर्ड एंड लॉजिक इज पॉसिबल विथ और आउटपुट, और आउटपुट के साथ में बायर्ड एंड लॉजिक यहाँ पर ECL के अंदर यूज कर सकते हैं, और लॉजिक के साथ में बायर्ड और लॉजिक के साथ में नॉर आउटपुट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, नॉर के साथ में और लॉजिक यूज कर सकते हैं, और के साथ में एंड लॉजिक यहाँ पर यूज कर सकते हैं।